मैं जानता हूं कि इन दिनों ये फैशन हो गया है, लोग दावा करते हैं कि मैं एक बच्चे की तरह हूं। तथाकथित आध्यात्मिक लोग भी कह रहे हैं मैं एक बच्चे की तरह हूं। अगर आप कहें मैं एक बच्चा हूं तो ये मत समझिए कि ये कोई गर्व की बात है। खुद को एक बच्चा कहकर आप कह रहे हैं कि मैं विकसित नहीं हुआ। मान लीजिए आपका शरीर बढ़ चुका है तो हम उसका उदाहरण नहीं ले सकते। मान लीजिए आपका मन 3 साल की उम्र पर अटक गया। आप तब जैसे थे ये वैसा ही रहा, सिर्फ आपका शरीर वैसे बढ़ गया जैसा वो अभी है, तो हम आपको क्या कहेंगे? So there is no safety in stagnation. तो अटक जाने में सुरक्षा नहीं है। एक बीज सिर्फ कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण होता है, पर बीज एक ठहराव है। बीज अपना कवच उतारकर अपनी सुरक्षा नहीं खो रहा, उसकी सुरक्षा सिर्फ अंकुरित होने, बढ़ने और विस्तार पाने में है। यही एकमात्र सुरक्षा है। बीज जीवन है, यह जीवन बन सकता है, इसका बहुत महत्व है, लेकिन यह एक ठहराव है। अगर आप किसी भी चीज को ठहराव में रखेंगे तो आप हर हाल में उसे खो देंगे। सिर्फ एक ही सुरक्षा है, उसे विकसित करना। सिर्फ एक ही सुरक्षा है, उसे अंकुरित और समृद्ध बनाना। चाहे वो आपका शरीर हो, आपका मन या आपका जीवन, सुरक्षा सिर्फ उनसे कुछ करने में है। धरती की कोई आबादी जितना अधिक असुरक्षित महसूस करती है, उतना ही अधिक वो बच्चे पैदा करते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया के गरीब समाज हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं दुनिया के अमीर समाजों के मुकाबले, क्योंकि उनके अस्तित्व के लिए एक तरह की असुरक्षा है। ऐसा अपने शरीर के साथ करके देखिए, क्योंकि आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो कल से सबसे अच्छा भोजन खाइए और शरीर का इस्तेमाल मत कीजिए, उसे बचाने की कोशिश कीजिए। बचाने की कोशिश में कोई सुरक्षा नहीं है, जीवन ऐसे नहीं बना है। उसे बचाने का एक ही तरीका है, उसका इस्तेमाल करना। लेकिन आपका मन अलग बात बोलेगा। आपका मन हमेशा कहेगा एक बीज सुरक्षित है, क्योंकि वो आमतौर पर एक सख्त कवच में होता है, वो ज्यादा ठोस और सुरक्षित रहने के योग्य लगता है। पौधा खुले में होता है, उसे नुकसान पहुंच सकता है, कोई भी उस पर पैर रख सकता है, कोई जानवर उसे खा सकता है, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। तो सुरक्षा एक बीज बनकर रहने में नहीं है, सुरक्षा अंकुरित होने, बढ़ने और विस्तार पाने में है।